आरोही सोनी क्लास 6 ई ड्रीम स्टेप स्कूल से न्यूज चैनल से आप सभी का बुंदेली न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। पीएम मोदी जी आधारशिला रखेंगे, पहली बार मंच पर एकजुट होगा इंडिया, राहुल गांधी भारत से जुड़ी नया यात्रा, किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान, किसानों के भारत बंदों का कांग्रेस का समर्थन, आज प्रयागराज आएंगे सीजीआई और सीएम योगी जी। धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आगे की खबरें मैं बताऊंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं अभिज्ञान सेवरे क्लास 6 ई ड्रीम स्टेप प्ले स्कूल से आगे की खबरें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, रांची में निकलेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। नमस्कार नमस्कार दर्शकों, आगे की खबरें मैं बताऊंगी। मैं मनी नगरिया क्लास 6 ई ड्रीम स्टेप प्ले स्कूल से, किसान और केंद्र के डिक्लेरेशन के बीच आज शाम तीसरे दौर की मीटिंग, जाने किन डिमांड्स पर अटकी है बात। गाजियाबाद के वंदे भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गाजियाबाद में भी बनेगा राम सेतु, योगी सरकार का बड़ा फैसला। स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज रूम से बोल रहा हूँ, आगे खबरें अब मैं बताऊंगा। पहली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने करी घोषणा, पेटीएम होगा 29 फरवरी को बैन। दूसरी खबर, दिल्ली के रेलवे में लगी आग, हादसे में 11 लोगों की मौत। धन्यवाद। मैं ऐसा नहीं किया, मैं क्लास 4 से, अब मैं बताऊंगा आपको आगे की खबरें। ज्ञान वापी में श्रद्धालुओं ने की आज पूजा, ट्रैक्टर की टक्कर से 2 लोग घायल, पुलिस ने किया 2 बच्चों को रेस्क्यू। अब आगे की खबरें मैं बताऊंगी। मैं खुशी गुप्ता क्लास 6, आज की पहली खबर, कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पहले हिंदू मंदिर का पूजन। नाम का दीक्षित, मेरे स्कूल का नाम ईजीम स्टेप प्ले स्कूल, मैं क्लास 4 से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की प्रमुख खबरें, बढ़िया धाम हरपालपुर में हुआ 9 कन्याओं का विवाह। मैं आपको अब आगे की खबरें सुनाऊंगा। मैं शिवम अहरवाल क्लास 6, मैं आपको अयोध्या जा रहे योगी का मंत्रिमंडल करेगा राम मंदिर के दर्शन। ईडी स्टेप प्ले स्कूल में हुआ टूर्नामेंट का आयोजन। हरपालपुर रेलवे स्टेशन का बदलेगा कायाकल्प। मैं काव अग्रवाल ईड्रीम स्टेप स्कूल से 6th क्लास से, मैं आपको एक प्रमुख खबर सुनाने वाला हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न। मैं अर्णव रूसिया ईड्रीम स्टेप प्ले स्कूल न्यू रूम से क्लास 6, अब मैं बताऊंगा आपको आगे की खबरें। हमें लग रहा है पुरानी गल्ला मंडी में सब्जी वालों की वजह से जाम। मध्य रेलवे द्वारा हमारे स्कूल में किया गया कंपटीशन का आयोजन। मेरा नाम आन्या गुप्ता, अब मैं ईडीएम स्टेप प्ले स्कूल की क्लास 4 से बोल रही हूँ। अब मैं बताऊंगी इससे आगे की खबरें। अब आगे की खबरें, बच्चों ने किया फॉर्म विजिट, की जाना कि फसल कैसे उगती है, रवि फसल किसको बोलते हैं, खरीफ फसल किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझा। बोलो। बुंदेली न्यूज चैनल के द्वारा बच्चों को दिया गया प्रोत्साहन। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रतिष्ठा तिवारी है, मैं ईटीम स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज रूम से बोल रही हूँ। इसके आगे खबर अब मैं आपको बताऊंगी। 14 नवंबर को हरपालपुर रेलवे स्टेशन के सम्मान समारोह में नरेंद्र मोदी जी आ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रतिष्ठा तिवारी है, मैं ईटीम स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज रूम से बात कर रही हूँ। इसके आगे की खबर मैं अब आपको बताऊंगी। 14 नवंबर को हरपालपुर के रेलवे स्टेशन सम्मान समारोह में नरेंद्र मोदी जी शायद आ रहे हैं। सही है।
आ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रतिष्ठा तिवारी है। मैं ईडीम स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज़ रूम से बात कर रही हूँ। इसके आगे की खबर अब मैं आपको बताऊँगी। 14 नवंबर रेलवे हरपालपुर रेलवे स्टेशन के सम्मान समारोह में नरेंद्र मोदी जी आ सकते हैं। मैं त्रिशा सिंह ईड्रीम स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज रूम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बताऊंगी आपको आगे की खबर। हमारी क्लास के सभी बच्चों ने बनाए गए प्रोजेक्ट। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें। मेरा नाम गौरव डिया है। मैं ई टीम स्टेप प्ले स्कूल से क्लास सेकंड। मेरा नाम गौरव अर्जड़िया है। मैं क्लास सेकंड से बोल रहा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ई ड्रीम स्टेप प्ले स्कूल है। मैं आपको आगे की न्यूज बता रहा हूँ। हमारे स्कूल में डांस का आयोजन। नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या द्विवेदी क्लास थर्ड से बोल रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी आगे की खबरें। लाडली बहना को हर महीने मिलेंगे 1250 रुपए। हमारे स्कूल में किया गया AI टेक्नोलॉजी। हमारे स्कूल में किया गया टेक्नोलॉजी पर हमारे स्कूल में किया गया AI टेक्नोलॉजी पर सेमिनार। अरे यार, हमारे स्कूल में किया गया AI टेक्नोलॉजी पर सेमिनार। स्कूल में किया गया AI टेक्नोलॉजी सेमिनार का आयोजन। दर्शकों, में उन्नति राजा क्लास थर्ड ईडीएम स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। अब मैं आपको इसके आगे की कुछ साझा खबरें सुनाऊंगी। पहली खबर, PM मोदी ने फैसला किया है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सिर्फ आधी फीस जमा होगी और बच्चे सिर्फ आधी फीस देंगे। PM मोदी ने फैसला किया है कि सारे बच्चों को सिर्फ आधी फीस देनी पड़ेगी और बाकी की बची हुई फीस सरकार प्राइवेट स्कूलों में देगी। उन्नति सर, मैं ईडीएम स्टेप प्ले स्कूल से न्यूज़र से बोल रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी फिर से बोलो मैं आपको अपनी खबरें बताऊँगी मैं आज को आप पर वो खबरें बताऊँगी तो आज की लोग खबर है, बच्चे चला रहे हैं हंसते ज़्यादा मोबाइल। मम्मी पापा को चाहिए मोबाइल पर रोक लगाना। नमस्कार दर्शकों, मैं जूली सानी ई ड्रीम स्टेप प्ले स्कूल के न्यूज़ रूम से बोल रही हूँ। सर, आज मैं आपको ताज़ा खबरें बताऊंगी। सरकार द्वारा दिए गए 1250 रुपये लाडली बहनों को है कि जो भी एक्टिविटी होती है अगर वो किताबों से निकलकर बाहर बच्चे करते हैं तो उसका असर बहुत होता है। अब ये एक्टिविटी सब ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है कि देखो पढ़ाई हर स्कूल में हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद बहुत लोगों ने भी पढ़ाई की है, लेकिन जब तक ये स्किल ना आए बोलने की, माइक पे बोलने की, वीडियो कैमरे को फेस करने की, तब तक हमें नहीं लगता कि आगे कामयाबी जल्दी मिल पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में ये स्किल होनी बहुत ज़रूरी है और हम इसी पे काम कर रहे हैं कि बच्चों के साथ रहें
बच्चों को इन एक्टिविटी के जरिए उनका विकास करें ताकि भविष्य में उनको जो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े वो सब हंसते हंसते फेस करें और किसी भी एक्टिविटी के लिए डरे नहीं। आज उनको ये नींव पड़ जाएगी तो कल जो इमारत उनकी बनेगी वो बहुत अच्छी इमारत होगी। धन्यवाद। और मैं बुंदेली न्यूज चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके जो संवाददाता हैं कुलदीप जी, जिन्होंने अपने सारे उपक्रम स्कूल में लगाए और हम लोगों को ये गतिविधि का सफल आयोजन करने में मदद की। आपका न्यूज़ चैनल जो है तरक्की करे और यूं ही आप सेवा कार्य में से जुड़े रहें। धन्यवाद।